हाय गाइस, वेलकम टू काया क्लब ग्लोबल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सफ़ेद दाग की चिकित्सा में क्या क्या टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की डेट में। इसी के साथ मैं एक ऐसी कंट्रोवर्शियल थेरेपी भी बताने वाला हूं वीडियो के एंड में, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें, क्योंकि लास्ट में जो मैं ट्रीटमेंट बताऊँगा वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है और अभी एक एथिकल डिलेमा चल रहा है कि उसे अप्रोच को फॉलो करना चाहिए या पेशेंट को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट कि आप एंड तक इस वीडियो को देखें। मेरा नाम है सम्यक धवन और मैं हूं कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल पे। सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में डॉक्टर के पास कुछ सर्टन वेपन्स होते हैं, कुछ सर्टन ऐसी थेरेपीज होती हैं उसके आर्सेनल में जो वो यूज़ करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी हमेशा किसी भी डॉक्टर के मन में जो आती है वो होती है मेडिकल थेरेपी। कायाकल्प ग्लोबल पे दे जाने वाली मेडिकल थेरेपी क्या है? लगाने के लिए दवाई है हमारे पास और खाने के लिए दवाई है हमारे पास। खाने के लिए दवाई जो हम देते हैं वो है विटिकाया, इम्यूनोकाया, ल्यूकोकाया, और लगाने के लिए हम देते हैं सरगन प्लस ऑइंटमेंट, जिसको हमने अपनी हर वीडियो में बोला है कि सरगन प्लस ऑइंटमेंट को लगा के 10 से 15 मिनट दोपहर की धूप दिखाने से रंग बनने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है, रंग बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करें, आपकी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को पता होना चाहिए कि अगर वो अपना हार्ड अर्न मनी खर्च कर रहा है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, ट्रीटमेंट से क्या उसको लाभ मिलना चाहिए, कितने समय में मिलना चाहिए, वो आपको मैं बता दूं। यदि आप कायाकल्प ग्लोबल की ट्रीटमेंट लेते हैं तो अगर आपके केस में बाल जो हैं सफ़ेद दाग के ऊपर वो काले हैं तो 3 महीने में 15-20% रिकवरी की मैं गारंटी देता हूँ। काले रंग की बिंदियाँ बननी शुरू हो जाएंगी जो धीरे धीरे बड़ी होकर नॉर्मल स्किन जैसी लगने लग जाएंगी। असली ट्रीटमेंट वो है जो पता ही ना चले कि सफ़ेद दाग यहाँ पे था, यानी कि जो रंग बन रहा है वो इतना यूनिफॉर्म बन रहा है बिल्कुल पुराने रंग जैसा, राइट। और इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हमने अपनी ड्रग विटिकाया में ऐड किया है गिंको बाइलोबा हर्ब। आप गिंको बाइलोबा के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये कहा गया है कि गिंको बाइलोबा हर्ब एक लौती ऐसी हर्ब है सफ़ेद दाग में जो सफ़ेद दाग को भरने में रोकने में मदद करती है, तो वो भी हमने अपनी ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट किया है। तो अगर आपके सफ़ेद दाग होंठों पे है, फिंगर टिप्स पे हैं, आपके पैरों के तलवे पे है, आपकी हथेली पे है, या आपके एंकल पे हैं, या आपके सफ़ेद दाग इतने पुराने हैं कि वो दूध जैसे मिल्की वाइट हो गए हैं, तो रिकवरी लाने में आपको एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आपके मन में बात पक्की होनी चाहिए कि इलाज लंबा चलेगा, कम से कम 1 साल तक भी इलाज चल सकता है। यदि कोई आपको कह रहा है कि 1 महीने में आपका सफ़ेद दाग ठीक कर दिया जाएगा बिना आपकी फ़ोटो देखे, कोई आपको ऑनलाइन बोल रहा है गूगल पे या यूट्यूब पे कि 1 महीने में या 2 महीने में सफ़ेद दाग गारंटी क्योर हो सकता है, तो ऐसी बातों में बिल्कुल भी ना पड़िए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, हमारे 30 साल का अनुभव है हॉस्पिटल कायाकल्प ग्लोबल पे, कि अगर आपके बाल काले हैं तो 10-15% 15-20% रिकवरी मिल सकती है, गारंटी है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आराम आने में लंबा समय लगता है, होंठों पे आराम आने में समय लगता है, उंगलियों पे, पैरों पे, तलवों पे और एंकल्स पे ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। क्या ट्रीटमेंट वहाँ चलेगा वो भी मैं आगे आके आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो थी मेडिकल थेरेपी, आगे मैं बात करता हूँ फोटोथेरेपी पे। फोटोथेरेपी क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, मेडिकल भाषा में फोटो का मतलब होता है लाइट, धूप। तो आई थिंक आपको पता होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं मॉडर्न मेडिसिन में वो NBUVB चेंबर में खड़े होने को बोलते हैं, लेकिन वो एक 100% ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज NBUVB चेंबर में खड़े होकर आप रीपिगमेंटेशन अचीव कर सकते हैं। रीपिगमेंटेशन मतलब रंग बनना शुरू हो सकता है, लेकिन अगर बीमारी आपके केस में बढ़ रही है तो चेंबर में खड़े होने से आपकी नए दाग आना या पुराने दागों के साइज का भरना नहीं स्टॉप हो सकता है। दैट इज़ वाई फोटोथेरेपी इज़ नॉट सक्सेसफुल इन केस ऑफ स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, यानी कि बीमारी को बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो प्रोप्राइटरी सरगन प्लस ऑइंटमेंट है कायाकल्प ग्लोबल पे, जो भी आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं वो हम स्पेशली मैन्युफैक्चर करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। तो सरगन प्लस ऑइंटमेंट लगाना और 10 से 15 मिनट धूप दिखाना भी एक तरीके से नेचुरल फोटोथेरेपी है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और वो बहुत ज़्यादा एफिकेशियस है। अगले ट्रीटमेंट की मैं बात करूँगा तो वो है सर्जिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, सर्जरी कब रिकमेंड करती है IADVL, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट है। स्टेबिलिटी किसे मानते हैं? स्टेबिलिटी होता है दाग का ना भरना, लेकिन यदि 1 साल तक आपके कोई भी नया दाग ना आए, या फिर आपके जो पुराने दाग थे उसका साइज ना बढ़े, या आपके केस में कट लगने से सफ़ेद दाग की उत्पत्ति ना हो, ये 3 क्राइटेरिया अगर आप मीट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आपके केस में बीमारी स्टेबल है।
तो जिन लोगों की बीमारी स्टेबल होती है उन्हीं लोगों पे सर्जरी रिकमेंड की जाती है। कौन सी सर्जरी रिकमेंड करते हैं हम? मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। डिफरेंट टाइप की सर्जरीज होती हैं, स्किन ग्राफ्टिंग, टिश्यू ग्राफ्टिंग, वो सब सस्ती हैं, छोटे शहरों में होती हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, रिजल्ट्स अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं, यूनिफॉर्म पिगमेंटेशन नहीं आती, जो बाउंड्री होती है वो खुरदरी रह जाती है और पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसीजर करवाया गया है। कायाकल्प ग्लोबल पे हम जो रिकमेंड करते हैं सर्जरी वो है मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हम बहुत ही छोटे 1/10 पैच को लेके, ग्राफ्ट लेके, उसको 10 टाइम्स बड़े पैच पे लगा के यूनिफॉर्म पिगमेंटेशन अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसलिए हम हर किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके सफ़ेद दाग हार्ड टू ट्रीट स्पॉट्स पे हैं, जैसा मैंने बताया एंकल, या आपके पैर के तलवे, या आपके हथेलियाँ, या फिंगर टिप्स, या वो एरियाज जहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, या अगर आप मैरिजेबल एज ग्रुप में हैं, आप 1 या 2 साल में आपकी शादी होने वाली है, तो हमारा अप्रोच, हमारी माइंडसेट ये रहेगी कि आप में स्टेबिलिटी को अचीव करके सर्जरी की तरफ लेके जाया जा सके। ये एक रिकमेंडेड अप्रोच रहती है, हर किसी के लिए सर्जरी वायबल ऑप्शन नहीं है। लास्ट में मैं बात करूँगा टैटू के बारे में। आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे अगर आप एक टैटू की सर्च करें, बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं ओपीडी में जो अपनी स्किन ख़राब कर लेते हैं टैटू करवाने की वजह से। उनको पता नहीं होता है, उनको टैटू आर्टिस्ट बोलता है कि आप इस पे जो है मैचिंग पिगमेंट करवा लीजिए और ये क्योर हो जाएगा, राइट? प्लीज़ ऐसी बातों में ना पड़े, राइट? प्लीज़ मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, डू नॉट फॉल फॉर सच ट्रैप्स। टैटूइंग सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पे रिजल्ट दे सकती है, वो है छोटे छोटे स्पॉट्स अगर आपकी उंगलियों पे है, नंबर 1, नंबर 2 लिप्स पे, नंबर 3 निपल्स पे। सिर्फ ये 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे टैटू करने से फ़ायदा होगा। और किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर आप टैटू करवाते हैं तो टैटू बाद में फेड हो जाएगा, टैटू की वजह से भी सफ़ेद दाग बढ़ सकता है, उसका रंग बाद में ऑक्सीडाइज होके गंदा हो जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलके वो काला हो जाता है। हमने टैटू के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसको मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, प्लीज़ आप उसको देखिए। लास्टली मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट बताऊंगा जो अभी बिल्कुल डॉक्टर्स के सर्कल में बात होने जिसकी शुरू हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए हमें मोटिवेट करने के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसी और अप टू डेट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए सामने लेके आता रहता हूँ। अब बात करते हैं वो कॉन्ट्रोवर्शियल थेरेपी क्या है, डीपिगमेंटेशन। जी हाँ, रीपिगमेंटेशन नहीं, डीपिगमेंटेशन, यानी कि जो बॉडी के स्पॉट्स नॉर्मल कलर के थे उनको भी वाइट कर देना। बहुत बार पेशेंट पूछते हैं कि सर आप पूरी बॉडी ही हमारी वाइट कर दीजिए, रेयर होता है। क्यों मैंने कहा ये कॉन्ट्रोवर्शियल है? बिकॉज इसमें नंबर 1 जो चॉइस है, जो नंबर 1 डिसीजन मेकिंग है, वो आपकी है एज अ पेशेंट। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, क्या मैं पूरी बॉडी को वाइट करवाने के बाद खुश रहूँगा कि पुराना रंग वापस पाके मैं खुश रहूँगा। उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या अप्रोच लेनी है। ऑब्वियसली अगर आपके छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स हैं तो आप फुल बॉडी को डीपिगमेंट करने के बारे में क्यों सोचेंगे, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इनमें पहले जैसा रंग भर दिया जाए। माइकल जैक्सन फॉर एग्जांपल एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो पहले जिनको जब विटिलिगो हुआ तो उन्होंने इस ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट किया, उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को जो है डीपिगमेंट कर लिया, राइट? ये उन लोगों के लिए है जो यू नो ओल्ड एज, जिसे हम कहेंगे 60+ लोग, जो फैमिली प्लानिंग कर चुके हैं, जो लाइफ के माइलस्टोन्स अचीव कर चुके हैं, वो लोग सोचते हैं कि चलो अब हम इस इस टाइप की थेरेपी के बारे में वो सोचना पसंद करते हैं, या वो लोग जिनके फुल बॉडी विटिलिगो है, देन इट मेक्स सेंस टू गो फॉर समथिंग लाइक डीपिगमेंटेशन, राइट? ये थी आज की वीडियो, आई होप इसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन से वीडियो की रीच बढ़ती है जिससे कि और कोई इंसान जिसको सफ़ेद दाग हो उस तक जब ये वीडियोस पहुंचती हैं तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि सफ़ेद दाग की जर्नी में यदि एक भी डॉक्टर ऐसा मिल जाए या एक भी ट्रीटमेंट ऐसी मिल जाए जो हानिकारक हो तो दाग बाढ़ की तरह बढ़ भी सकते हैं, तो हमें वो सिचुएशंस अवॉइड करनी है जहां हमें रिग्रेट हो। थैंक यू।